नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं सब आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम चल रहे हैं अब तक इतिहास में, और इतिहास की हमारी दो सीरीज थी। एक सीरीज थी हमारी NCERT की, जो हमारे इसमें 11 चैप्टर थे वो पूरे हो चुके हैं। दूसरी सीरीज हमने बनाई थी जो महंतम राजा हैं, महंतम जो वंश के राजा हैं, एक उनकी सीरीज चल रही थी, वो हमने बिंदुसार करा दिया है वहाँ तक। अब हम पढ़ाएंगे अब आज हिंदी में, और हिंदी में पढ़ाएंगे हम वर्णमाला। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें, ताकि जो हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं हम वर्णमाला पर। तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों का यानी अक्षरों का जो क्रमागत और व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। इसमें जो वर्ण होंगे यानी कि जो अक्षर होंगे वो एक तरह से क्रमण से होंगे, यानी कि क क हो ख हो ग हो, ऐसा नहीं कि पहले घ आ जाए फिर बाद में क आ जाए तो ये वर्णमाला नहीं होगी। वर्णमाला का मतलब ये है कि जो उसमें अक्षर होंगे वो क्रमागत होंगे। ठीक है, अब देखना है कि इसमें वर्ण का मतलब क्या है। तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और अक्षर का मतलब क्या होता है कि अक्षर। क्षर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि इसका डेप्रिसिएशन हो जाए, और इसमें अ लग जाता है। तो अ लगते ही इसका बन जाता है विपरीत, यानी कि विलोम बन जाता है, यानी कि जो नष्ट ना हो सके वो वर्ण कहते हैं, जो खत्म ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं, जिसका क्षर न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसका घिसाव न हो सके वो भी वर्ण ही है। तो वर्ण का जो पारिभाषिक रूप है उसे कहते हैं, परिभाषा क्या है कि भाषा का लघुत्तम रूप, जो भाषा का या ध्वनि का सबसे छोटा रूप होता है वही वर्ण कहलाता है, यानी वही अक्षर कहलाता है। अगर हम अक्षर को का को इसे हम आधा कर दें तो हम इसे बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये सबसे छोटा रूप है, इसको हम बिल्कुल यहाँ से कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। वर्ण क्या है? भाषा का लघुतम रूप है जिसको हम खंड नहीं कर सकते, जिसको हम कम नहीं कर सकते। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के प्रकार हमारे एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, और एक अयोगवा होता है। तो वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 52 अक्षर, यानी कि 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। अब कैसे कैसे होते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन होते हैं वो 39 होते हैं, और जो अयोगवा होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहले देखते हैं हम स्वर। तो स्वर का मतलब होता है कि जो हमारे मुख से अबाध रूप से ध्वनि निकलती है, अबाध मतलब बिना रुकावट के जो ध्वनि निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं अ। तो ये बिना किसी रुकावट के जो ध्वनि निकल रही है, ये है अ आ ई उ, ये क्या है? हमारा स्वर है। ठीक है दोस्तों, अब देखना है कि स्वर के कितने प्रकार हैं। तो स्वर के भी 3 प्रकार हैं। तो पहला है हमारा मूल स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कह सकते हैं, और जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे स्वर 3 प्रकार के हैं, जिसमें मूल स्वर, चाहे मूल स्वर कह लें, चाहे हम लघु स्वर कह लें, चाहे हम ह्रस्व स्वर कह लें, एक होता है। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा संयुक्त स्वर। तो पहले देखना है हमें कि लघु स्वर क्या होता है, यानी मूल स्वर क्या होता है, यानी ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो इस देखना है कि जिनके उच्चारण में समय कम से कम लगे, यानी कि जिनके उच्चारण में यानी कि जिनके बोलने में समय कम से कम लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। और इनके बनाने में यानी कि निर्माण में अन्य स्वरों की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। ठीक है, तो स्वर की जो लघु स्वर की जो वो है परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि समय कम से कम लगा और कोई अन्य स्वर हमें नहीं चाहिए इसको बनाने में। दो चीज़ बात याद रखनी है इसमें, कि समय कम से कम लगना चाहिए और कोई और स्वर नहीं चाहिए इसको बनाने में। तो हमारे ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। तो अ ई उ और री। ठीक है, कहीं जो पश्चिम की जो भाषा है, इसे पश्चिम की जो बोली है, इसे हम हर चीज़ को ए बिल्कुल चलते हैं, के गे गे। तो
तो ऐसे नहीं बोलना है, ये गलत उच्चारण है। तो आपको बोलना है अ ई उ रि क ख ग घ, ऐसे करके बोलना है, ये हमारा सही उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे लघु स्वर। अब दूसरा देखना है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में परिभाषा ये है कि जिनके उच्चारण में समय मूल स्वर की अपेक्षा दोगुना लगता है। तो पहली बात यह है कि इन्हें बोलेंगे तो इनके उच्चारण में समय लगेगा वो मूल स्वर की अपेक्षा दोगुना लगेगा। ठीक है, मान लो इनमें एक पल लगा तो इनमें दो पल लगेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि इनको बनाने में सजातीय मूल स्वर की आवश्यकता चाहिए, यानी कि मूल स्वर की आवश्यकता से बनेगा, और वो भी कैसे होना चाहिए, वो सजातीय होने चाहिए, यानी एक ही जाति के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले अ है तो बाद में भी अ होना चाहिए, तो बन जाएगा आ। तो पहले कौन सा हमारा मूल स्वर है, दूसरा कौन सा है, ये भी मूल स्वर है, लेकिन ये कौन सा है, ये दीर्घ स्वर बन जाता है, बड़ा बन जाता है, दीर्घ स्वर बन जाएगा, यानी कि अ प्लस अ हो जाएगा आ। ठीक है, ऐसे ही ए धन ए बन जाएगा ई, तो ये भी हमारा दीर्घ स्वर है। अगला हमारा ओ धन ओ बन जाएगा ऊ, तो ये क्या हमारे तीनों दीर्घ स्वर हैं, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री लघु स्वर होते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम आगे। अब पढ़ना है हमें संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर की परिभाषा बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे दीर्घ स्वर की परिभाषा है, यानी कि जिनके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है और निर्माण में मूल स्वर ही चाहिए, यानी कि लेकिन क्या चाहिए, वो विजाति चाहिए, यानी दूसरे जाति की चाहिए। वहां पहले क्या था कि जैसा पहले आगे वाला है और वही जैसा ही पीछे वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां ऐसी बाउंडेशन नहीं है। पहला हमारा अ, पहला हमारा अ, और इसको हम ई इसमें जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला अ और धन ए तो बन जाएगा ए। ठीक है, इसे बोलते हैं ए। इसमें ये भी हमारा लघु स्वर है और ई भी हमारा लघु स्वर है, दोनों ही लघु स्वर हैं लेकिन दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो इसलिए इसे बोलेंगे संयुक्त स्वर। और क्या बना दिया, संयुक्त स्वर बन गया, ये बन गया ए। दूसरे में देखते हैं कि अ और ए, जो ये वाला था वो हमने यहां उतार लेते हैं, ए ये बन गया ए। तो दोनों में जो उच्चारण में अंतर देख लेना, ये पहले वाले में ए है और दूसरे वाले में ए है, यानी कि ए और ए। ज्यादातर लोग इन दोनों में जो उच्चारण में अंतर क्लियर नहीं कर पाते कि ये जो पहले वाला ए है या दूसरे वाला ए है क्या है, तो आप दोनों क्लियर कर लेना। जो पहला वाला है उसे बोलते हैं ए और दूसरा वाला है उसे बोलते हैं ए। ठीक है, आगे चलें। अब देखना है हमें कि अ पहला है और बाद में उ है, तो अ और उ मिला के हमने ओ बनाया। क्या बनाया, ओ बनाया, इसे बोलते हैं ओ। ऐसे ही अ और ओ, अ और ओ मिला के बनाया ना ओ। अब दोनों में अंतर नहीं कर पाते लोग, तो इसे बोल ऊपर वाला है इसे बोलते हैं ओ और इसे बोलते हैं हम ओ। ठीक है, ये आपके हो गए तीनों स्वर, तो ये हो जाते हैं 11। गिन लेते हैं कि चार हमारे ये रहे, तीन ये रहे, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तीन हो गए, इतने हो गए मिला के दोनों को 7 हो जाते हैं। ठीक है, 7 और 4 आपके ये रहे, तो हम 7 और 4 बन जाएंगे आपके 11। तो प्रश्न आता है कि कुल स्वरों की संख्या, तो उसे कहेंगे हम 11। ठीक है दोस्तों, कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी, वो है 11। अब इनके अलावा हम और पढ़ते हैं पुलुत स्वर क्या होता है। पुलुत स्वर होता है कि जिनके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है, उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। यानी कि मूल स्वर की अपेक्षा, मूल स्वर मान लो 1 मिनट लगे तो उसमें लगेंगे 3 मिनट, मूल स्वर मान लो 1 घंटा लगे तो उसमें लगेंगे 3 घंटा। ठीक है, यानी कि आप बोलते हो ओम, तो ये क्या है, मूल स्वर है। या किसी को बुलाते हैं राकेश रे, तो ये क्या है, पुलुत स्वर है। अब देख रहे हैं कि इन स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी कि हम इसे बोलते कहाँ से। ठीक है, तो जो हमारा दोनों आ हैं, अ और आ, यानी छोटा आ बड़ा आ, वो हमारे कंठ से बोले जाते हैं,
आ, क्या बोल, कहाँ से बोले जा रहे हैं? कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारे दोनों ई हैं, ए और ई, ये तालब से बोले जाएंगे, यानी कि तालू से बोले जाएंगे। तालू कहाँ होता है? जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं उससे जो थोड़ा ऊपर होता है उसे हम तालू बोलते हैं, दांतों से ऊपर, तो वह है हमारा तालू। यानी कि छोटी ई और बड़ी ई का जो उच्चारण स्थान है वो है तालू। इसी प्रकार जो दोनों ऊ हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका जो बोलने का स्थान है वो है हमारे होठ, क्योंकि इनको बोलने में हमारे होठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलेंगे हम ओष्ठव्य। दोनों ऊ को ओष्ठव्य बोलेंगे, दोनों ई को हम तालव्य बोलेंगे, और दोनों अ को हम कंठव्य बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ए, दोनों ए। अब पीछे हमने देखा कि ए बनता कैसे है, तो आ से बना और ई से बना, और आ क्या है? कंठव्य, और ई क्या है? हमारा तालव्य है, तो इसे बोलेंगे हम कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। ऐसे ही दोनों ओ क्या बोलेंगे? तो ओ किससे बनता है हमारा? आ से और ऊ से, तो अ क्या है? कंठव्य है हमारा, और ऊ क्या है हमारा? ओष्ठ है, तो इसे बोलेंगे कंठ ओष्ठ बोलेंगे इसे। अंग है हमारा, अंग हमारा नासक है, यानी जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है, ठीक है मित्रों। तो ये हमारे हो गए अब तक स्वर हो गए, और स्वर कितने हैं हमारे? स्वर है हमारे 11।